एसपी सुप्रीमो के भाई आनंद कुमार की संपत्ति साल 2007 से साल 2014 के बीच करोड़ रुपए से बढ़कर करोड़ रुपए तक पहुंच गई। ये वो वक्त था जब मायावती यूपी की सीएम थी। अंग्रेजी चैनल टाइम्स ने उन्हें ऐसे दस्तावेज हासिल करने का दावा किया है जो आनंद कुमार की इस हैरतअंगेज तरक्की पर रोशनी डालते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुमार ने कई फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों के लोन हासिल किए और रियल एस्टेट में बड़े पैमाने पर निवेश किया। इस हेरफेर की एक बड़ी मिसाल आकृति होटल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बताई जा रही है। कुमार इस कंपनी में डिबेंचर शेयर होल्डिंग के जरिए बड़े हिस्सेदार हैं। दस्तावेज बताते हैं कि दिल्ली से चलने वाली इस कंपनी के 3 निदेशक हैं। इसके अलावा कंपनी के ठहरी 7 अन्य हिस्सेदार हैं, लेकिन इनमें से कई हिस्सेदार कंपनियां मज कागजों तक सीमित हैं। मसलन भास्कर फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, क्लिफ्टन पियर्सन एक सपोर्ट एंड एजेंसी, डेल्टन एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड और गंगा बिल्डर्स लिमिटेड नाम की कंपनियों के पास आकृति होटल के शेयर हैं। तीनों कंपनियों ने कोलकाता के महेशतला में एक ही पता दर्ज करवाया है। इन कंपनियों के डायरेक्टर भी एक ही है, लेकिन चैनल ने अपनी पड़ताल में पाया कि इस जगह पर इनमें से किसी भी कंपनी का कोई दफ्तर था ही नहीं। आकृति होटल की एक और शेयर होल्डर कंपनी नोवल्टी ट्रेडर्स गुवाहाटी के हरिबोल मार्केट के पते पर रजिस्टर्ड है, लेकिन ये एड्रेस भी फर्जी निकला। खबर के मुताबिक देश भर में इसी तरह की 7 नकली कंपनियों को खोज निकालने का दावा किया है जिनके आकृति होटल में शेयर है। माना जा रहा है कि सरकारी एजेंसियां इन कंपनियों और उनके वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है। आनंद कुमार आमतौर पर मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन वो नोटबंदी के बाद सुर्खियों में आ गए थे जब ईडी ने उनके खाते में करोड़ रुपए और बीएसपी से जुड़े एक अकाउंट में 104 करोड़ रुपए जमा होने का खुलासा किया था। जांच एजेंसियों के आशंका है कि इन खातों में पैसा हवाला लेनदेन के जरिए जमा करवाया।